तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर, शॉपिंग थोड़ा सा है। कहाँ जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बट उससे पहले लंच करूँगी, और मैं आज थोड़ा थोड़ा स्टाइल मारने का मन किया, तो रेडी हो गई फटाफट। जल्दी से आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पहना है। सो आई एम वेयरिंग दिस स्वेटर ड्रेस, विस्कोस मटेरियल का है शायद, आई डोंट नो, बट काफी साल पहले मैंने मित्रा से लिया था और मैं पहनी ही नहीं उसको, बट आज बहुत दिन के बाद पहनी हूँ। सो दिस इज द लुक। एक मिनट मैं कैमरा घुमा देती हूँ। सो बस यही था, और साथ में मैं जैकेट और बैग ले रही हूँ, बस दैट्स इट। और अभी मैं झटपट आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली मॉल पहुँच गई, और मॉल में काफ़ी ज़्यादा रश है। पार्किंग करते करते 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लग गया। और लेट मी शो यू द फूड कोर्ट, मतलब क्रिसमस से पहले ये हमेशा का सीन रहता है सिटी सेंटर में। तो लेट मी शो यू द फूड कोर्ट, एंड हियर यू कैन सी इट्स बजिंग विद पीपल। मतलब अभी खाने के लिए टेबल मिलेगा नहीं मिलेगा, इट्स डाउटफुल। So let me quickly find a table to sit and eat. I am super duper hungry now, so stay tuned. काफ़ी दिनों बाद, मतलब मुझे तो लग रहा है अरसों बाद KFC खा रही हूँ, एंड आई लव KFC चिकन। तो हस्बैंड और मैं वही खा रहे थे। यूनिकॉर्न्स, ओ माय गॉड, मैं ये वाला प्ले स्टेशन में आके ना पागल बन जाती हूँ। पागल क्या, बच्ची बन जाती हूँ एक तरह से। हर एक गेम मुझे खेलने का मन करता है, और यहाँ आके मेरे टाइम का कुछ खबर ही नहीं रहता है। लाइक आई कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स एट दिस प्लेस, और मतलब रियली मैं बच्ची जैसा मतलब बिहेव करने लगती हूँ, भूल ही जाती हूँ दैट आई एम ए ग्रोन अप पर्सन। एनीवेज, तो काफ़ी सारा गेम था और बीच में नहीं आ रही थी कोविड के कारण। डैम आई मिस दिस प्लेस लाइक, और ये घोड़ा बड़ों के लिए तो नहीं है, बट आई विश कि मैं भी इस पर चढ़ पाती। सच अमेजिंग, लाइक वंडरलैंड का तरह है। और मैं ना ये वाला गेम खेलने वाली थी, बस वेट कर रही थी कि कब अंकल जी इसको फटाफट ख़त्म करें। चॉकलेट्स, मुझे सब मन कर रहा था हाथों से मैं सारा चॉकलेट्स निकाल के ले गया, और इतना टेम्पटिंग बना देते हैं यार ये लोग हर गेम को। ओह माय गॉड, यहाँ पे मोर एंड मोर चॉकलेट्स, कैडबरी सिल्क वन ऑफ माय फेवरेट। ये वाला जो गेम है ना, वैक एंड विन, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्चुअली। मी एंड माय हस्बैंड वो इस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, और ये भी कुछ कुछ थे काफ़ी देख सकते हैं आप, बड़े भी एंजॉय कर रहे थे ऑफकोर्स, क्यों नहीं। वाओ, जस्ट सी, मतलब इतना सुंदर सुंदर सामान है बाहर से, कैंडल होल्डर्स एंड एवरीथिंग। आई लाइक दिस वन सो मच, नो ये सारे, एंड दिस गोल्ड वंस आल्सो, टू गुड। नाइन्टी स्टोर बाहर से दिखाने से अच्छा था, मैं सोची अंदर घुस के आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि इस बार मुझे क्रॉकरी का कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था। प्लेट्स वेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 129 रुपीज़,
बाउल्स वगैरह 49 रुपीज़ से थे एंड काफ़ी सुंदर लग रहा था मुझे ये ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। उसके बाद में मेलामाइन के भी कलेक्शन काफ़ी सुंदर थे, स्पेशली दिस राउंड प्लेट विच आई लाइक। इसका प्राइस था 349 रुपीज़। और ये वाला जो है स्नैक्स विंग ट्रे काफ़ी क्लासी लग रहा था मुझे, दिस वाज आल्सो प्राइस अराउंड 349 रुपीज़। और ऐसा काफ़ी सारा था, यू कैन सी ब्लैक में बाउल वगैरह। फिर आगे भी ये वाला जो टी पॉट है, दिस इज़ द क्लासिक 99 स्टोर टी पॉट, ऑफर में था 598 रुपीज़ में। उसके बाद में मलामेन ट्रे वगैरह आप देख सकते हैं 109 रुपीज़ ईच में दे रहे थे, क्वालिटी वॉज गुड। एंड उसके बाद में आई लाइक दिस लाइक कटलरी स्लैश लिटल होल्डर, 279 स्टार्टिंग प्राइस था, बट 179 कंटेनर का दाम लिख रहा था विच वॉज लाइक क्वाइट रिजनेबल। एंड ये भी शुगर ऑन टी लाइक कंटेनर्स थे और 349 रुपीज़ ईच, और वाइट में भी थे और बहुत क्लासी लग रहा था देखने में, विच वॉज क्वाइट गुड। लाइक आप देख सकते हैं इसमें दूसरे लाइक और भी छोटे छोटे कंटेनर्स थे, धनिया मिर्च जो काफ़ी क्यूट लग रहा था मुझे देखने में, 159 रुपीज़ के थे। और भी छोटे छोटे कंटेनर्स थे लाइक कैंडी बॉक्सेस, उसको कैंडी बॉक्स की आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये भी 149 रुपीज़ के। एंड फिर दीज वुडन स्पूंस एंड लेडल्स फॉर 49 रुपीज़। और इसका लाइक बहुत सारे और भी कटलरी सेशन में बहुत सारे नाइफ वगैरह बहुत कुछ थे, कुकी कटर्स एंड ऑल, एप्पल कटर्स। और मुझे स्पेशली ये वुडन सेट का पूरा सेट जो है बहुत अच्छा लग रहा था फॉर 219 रुपीज़, और इसमें सब कुछ था। एंड बेकरी सेक्शन में ये वाला जो मेजरिंग कप्स है वो हमेशा ही किचन में काम आता है, दिस इज़ फॉर 119 रुपीज़ एज यू कैन सी। और भी काफ़ी यू नो सिलिकॉन कप केक मोल्स थे एंड नाइफ वगैरह और कुकी कटर्स काफ़ी क्यूट से इस बार दिखने को मिले। उसके बाद में ट्रेज का सेक्शन था, ट्रेज देखने में तो अच्छे ही लग रहे थे एंड द स्टार्टिंग प्राइस वॉज somewhat around like 449 if I'm not wrong, yes 449। और इसके बाद में ये हॉट पैड्स जिसमें आप गर्म चीज़ रख सकते हैं डाइनिंग टेबल वगैरह में, वो सब भी थे अराउंड 229। और ये स्टील के कंटेनर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, एक इस तरह के ऊपर में डोम शेप के भी थे कंटेनर्स विच वॉज रिटेलिंग फॉर 189 रुपीज़। और नीचे भी काफ़ी सारे स्टील के सामान थे, इतना सारा एक साथ में दिखाने से तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो वो जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं नया इस बार कलेक्शन में वो ही दिखा रही हूँ। और मेशन जार्स भी मुझे इस बार दिखाई दिए फॉर 169 रुपीज़ ईच, काफ़ी क्यूट लग रहे थे, ट्रॉपिकल यू नो वाइब्स दे रहे थे। और ये ग्लास बॉटल्स जो ऑलरेडी मेरे घर में है, यानी ये कूल यू नो शेकर्स भी मिल रहे थे 149 रुपीज़ में, और ये वाला ग्लास बॉटल 399 रुपीज़ में प्राइस मुझे ज़्यादा लगा, होम सेंटर में उससे कम में मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। एंड दिस क्यूट लाइक शॉर्ट ग्लासेस विथ लाइक हैंडल, ये भी काफ़ी क्यूट थे फॉर 49 रुपीज़। इसको आप एक्सप्रेसो कप वगैरह का तरह भी यूज़ कर सकते हो, और शॉर्ट ग्लासेस काफ़ी यू नो क्यूट क्यूट शेप्स में थे, लाइक ऑल वेयर लाइक 49-59 रुपीज़। आप देख सकते हो ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये जो सेक्शन थे पूरे 59 रुपीज़ के थे। उसके बाद में बाउल्स, ये छोटे छोटे से बाउल्स, इसमें आप केचप वगैरह सर्व कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी क्यूट क्यूट से थे फॉर 59 रुपीज़। और उसके बाद में कैंडी बाउल जिसमें आप ड्राई फ्रूट वगैरह रख सकते हो, वेयर रिटेलिंग फ्रॉम 149 रुपीज़ और 349 तक थे। एंड उसके बाद में कप्स, जब भी मैं 99 स्टोर आती हूँ कप्स तो आप लोगों को दिखाती हूँ, सो दिस कप्स आर रिटेलिंग फॉर 69 रुपीज़। वेराइटीज़ ऑफ कलर में थे एंड आई लव दिस लाइक क्लियर कप्स, तो ये भी काफ़ी सारे लाइक डिफरेंट पैटर्न्स में थे, इट वॉज ऑल्सो रिटेलिंग फॉर 69 रुपीज़ पर कप, काफ़ी सुंदर थे लाइक। और इस तरह के क्यूब कप जो ऑलरेडी मेरे पास में है, इट वॉज रिटेलिंग फॉर अराउंड 449। एंड उसके बाद में ये सूप
बाउल्स भी थे जो काफ़ी क्यूट लग रहे थे और चीप भी थे। 249 मैं भूल गई। उसके बाद में कप्स का आप देख सकते हो कलेक्शन, लाइक अधेरो कलेक्शन है। मैं जितना हो सके आप लोग को दिखा रही हूँ। दिस कप वॉज रिटेलिंग फॉर 229 और ये वाला भी 229 का था, स्माइल वाला कप जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी बड़ा था ये साइज़ में। उसके बाद में और भी मग सेट के कलेक्शन थे कप्स के, लाइक इट वॉज रिटेलिंग 249 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 229 इस टाइप के थे सारे। तो काफ़ी सुंदर सुंदर कलेक्शन थे एज यू कैन सी। निकालने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पाया मेरे से। उसके बाद में मेरे ये ब्लैक कप में लाइक 129 रुपीज़ लिखा हुआ तो था बट इसका प्राइस थोड़ा हाई था, 129 बट काफ़ी सुंदर थे ये कप्स में। ब्लैक के ऊपर में ब्लू मार्बल इफेक्ट दिया गया था तो काफ़ी सुंदर था। तो ये भी कलेक्शन में न्यू दिखा इस बार मुझे। एंड उसके बाद प्राइस इस टम्बलर्स में मेरे नज़र गए तो काफ़ी सुंदर था, ग्लास टम्बलर्स थे कंटेनर्स। प्राइस थोड़ा हाई था 399 बट डिज़ाइन देख के जस्टिफाई कर सकते हैं आप प्राइस को, बट ये लॉन्ग लास्टिंग मेरे को नहीं लगता है कि किचन में हो पाएगा। ग्लास का मतलब था इसीलिए एक बार ठोकर वगैरह लगने से टूट जाता है। और ऑयल डिस्पेंसर्स भी थे, ऑयल डिस्पेंसर्स रिटेलिंग फॉर 349 और इस तरह के क्यूट जार्स थे ये भी ग्लास के हैं, स्माइली वाले, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। इट वॉज फॉर 299 एंड उसके बाद में ये आई मास्क 249 रुपीस का था, स्टार्टिंग प्राइस 169 का था पर यहाँ पे 169 का कोई भी मुझे आई मास्क दिखा नहीं। एंड उसके बाद में क्यूट हेयर एसेसरीज द स्टार्टिंग प्राइस वाज फ्रॉम लाइक 49, 69, 149 काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद में मैं गई सेरामिक वासेस जो भी आप बोलते हैं उसकी तरफ और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। नाइट लैम्प्स का भी कलेक्शन बहुत सुंदर था, एज यू कैन सी काफ़ी बच्चों के रूम वगैरह को सजाने के लिए काफ़ी यू नो किड फ्रेंडली लैम्प शेड्स थे। एंड उसके बाद में फ्लावर्स, मुझे 99 स्टोर के फ्लावर की क्वालिटी बहुत अच्छे लगते हैं। स्टार्टिंग प्राइस ऑफ दिस फ्लावर्स वे 249 रुपीज़ और उसके बाद में आपको अलग अलग प्राइसेस में मिलेंगे लाइक 249, 349, 299 इस टाइप का। और यू कैन सी काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, कलर्स वेर ऑल्सो वेरी वाइब्रेंट और देखने में ये एकदम ऑलमोस्ट रियल फ्लावर जैसे लग रहे थे। तो ये इस बार लाइक क्रिसमस के लिए शायद यू कैन सी कि फ्लावर्स के कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा थे, नॉर्मली इतना नहीं रहता है 99 स्टोर में बट इस बार बहुत ज़्यादा था। सो ये लाइक ऑल द कलेक्शंस वर वेरी गुड। और उसके बाद में मैं गई स्केचर्स के दुकान में, मुझे एक यू नो शू बहुत पसंद आया लेवेंडर कलर में, दिस वन किमन कोला 759। तो ये शू का प्राइस था 699 मतलब 7000। मैं देखती हूँ क्या क्या नया कलेक्शन आया है, काफ़ी दिनों से आई नहीं मिनीसो, सो लेट्स गो देयर। मिनीसो में घुसते ही सबसे पहला जो आपका ध्यान जाता है वो है परफ्यूम की तरफ, एटलीस्ट मेरा तो जाता है। तो ये 200 रुपीज़ के काफ़ी क्यूट से परफ्यूम्स थे, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा था। एंड देन दिस लाइक कार परफ्यूम ये भी काफ़ी अच्छा था बट रोज़ वाला मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं लिया। एंड इस बार शीट मास्क के कलेक्शन काफ़ी थे, लाइक काफ़ी सारे, लाइक बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के मिनिशों में, अगर आपने अभी तक भी ट्राई नहीं किया है तो कीजिएगा ज़रूर। तो ये सारे शीट मास्क आपको 60 रुपीज़ से मिल जाएंगे, लाइक अप टू 190 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छा होता है मिनिशो का, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो डू गिव ट्राई। लाइक मेरा तो सेंसिटिव स्किन है बहुत ज़्यादा, पर फिर भी ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है।
उसके बाद में परफ्यूम्स, कार डिफ्यूज़र्स वगैरह वगैरह बहुत लाइक कलेक्शन इस बार काफ़ी था। तो ये जितने भी थे अराउंड 200 के आसपास ही थे। एंड ये वाला डियो जो है मीशो का, ये भी बहुत अच्छा है, लाइक लॉन्ग लास्टिंग है। इसका एक ब्लू वेरियंट भी मिलता है, इस बार मुझे वो वाला घर दिखाई दिया। एंड मिस्ट मैंने कभी यूज़ नहीं किया एंड मुझे इसका स्मेल भी इतना खास नहीं लगा। तो और ये मिनिसो के कैंडल्स, ये कैंडल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने पहले भी लिया है। दीज आर मेड ऑफ सॉय इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये पैराफिन वाला वैक्स नहीं होता है, सॉय कैंडल्स है। एंड ये कैंडल्स भी काफ़ी यू नो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मैंने काफ़ी बार लिया है। 190 रुपीज़ का था। तो और ये फैंसी कार डिफ्यूज़र आप देख सकते हो। तो काफ़ी सारा कार डिफ्यूज़र्स के अलग वेराइटीज़ मुझे इस बार दिखाई दी। एंड उसके बाद में ये नेक रेस्टिंग पिलो, काफ़ी अलग अलग क्यूट क्यूट वेराइटीज़ में थे, कलर्स में थे, लाइक सच आई कैचिंग कलर्स, और भरे हुए थे पूरे मिनिसो, डोंट नो व्हाई, बट इसमें इतना खास डिस्काउंट वगैरह नहीं था। एंड सॉफ्ट टॉयज, ओ माय गॉड, रियली कितने सॉफ्ट है ये सब। और उसके बाद में मुझे ये आई मास्क वगैरह भी दिखाई दिया, विच वॉज रिटेलिंग फॉर लाइक 179 रुपीज़। और काफ़ी क्यूट क्यूट वेराइटीज़ थे। उसके बाद में ये रबर बैंड्स एंड ऑल, तो इसका मैं एक यू नो सोच रही हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स में डालो पूरा एक हॉल बना के, हॉल टाइप का। तो डू सी। और ये रबर बैंड वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा था, स्पेशली दिस फोम विथ मैग्नीफाइंग मिरर, और ये लेवेंडर कलर फोम काफ़ी अच्छा था। एंड ये एक्चुअली डिटेंगलर कॉम्ब्स है, और ये भी एक है डिटेंगलर कॉम्ब है, इट वॉज फॉर 200 रुपीज़। तो काफ़ी वेराइटीज़ था इस बार, लाइक क्रिसमस के टाइम में हमेशा ही मीशो में कलेक्शन बहुत अच्छा आता है। ये हेयर टॉवल है, मतलब ये हेयर रैपिंग टॉवल, और ये ब्लैंकेट, ये इतना सॉफ्ट था, लाइक बेबी ब्लैंकेट है ये, बट एडल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर से मुझे और भी मार्क्स दिखाई दे रहे थे, और इस बार लाइक ये वाला सेक्शन से जो मैं देख रही थी वहाँ पे ऑफर था, लाइक बाय मोर देन 3 गेट 30% ऑफ। तो मैंने यहाँ से कुछ कुछ लिया है। एंड ये तमरे, इसमें आप लाइक अंदर में बर्फ वगैरह डाल के लेके जा सकते हो, इसमें अलग से एक सेक्शन है अंदर में वहाँ। और ये मेकअप लाइक किट एंड ऑल, तो ये भी काफ़ी सुंदर सुंदर क्वर्की कलर्स में थे। एंड मैनिक्योर एंड नेल पेंटिंग ब्रश वगैरह वगैरह भी इस बार मुझे दिखाई दिया, और काफ़ी था लाइक। तो मैंने थोड़ा बहुत लिया जो मैं बाद में आप लोग को दिखाऊंगी। मिनीसो में एक बार घुसने के बाद में फिर निकलने की मन नहीं करता है। तो मैंने अंडर 200 वाला हॉल के लिए मैंने कुछ सामान लिया है जो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मोस्ट ऑफली यूट्यूब शॉर्ट्स में दिखाने वाली हूँ एनीवेज। और अभी मैं थोड़ा यहाँ तक आई हूँ तो शॉपर स्टॉप का भी यू नो कलेक्शन देख लेती हूँ, हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं है शॉपर स्टॉप का कलेक्शन, फिर भी थोड़ा आई हूँ तो देख लेती हूँ।
लेट मी शो यू द डेकोरेशन, इतने सुंदर तरीके से सजाया है जैसी।